किचन और घर की कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जो बेकार में घर में पड़ी रहती है, या तो फिर उसको हम बेकार समझ के फेंक ही देते हैं। मगर कई बार हम उन बेकार चीज़ों का इस्तेमाल करके कई सारा बीमारियों से बच सकते हैं। लाइफ में जीने के लिए हमें बहुत कुछ जानना चाहिए। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पुरानी यूज़ की हुई दियो का कुछ इस्तेमाल मैं आज आपको बताऊंगी, जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप ना करके पूरा वॉच कीजिए। सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो है दीपक को अच्छे से धो लेना है। तो ये यूज़ किया हुआ दीपक नहीं है, तो इसीलिए मैं नॉर्मल पानी से ही इसको धो रही हूँ। और अगर आपके पास पुरानी रखी हुई दीपक है तो सबसे पहले आप उसको बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म पानी और डिश वॉशर से धो लीजिए, ताकि ये हाइजीनिक हो जाए। ठीक है ना फ्रेंड्स? फिर उसके बाद हमें इसको सुखाना है, तो दीपक को हम अच्छे से सुखाएंगे। तो इस वजह से स्ट्रेनर ले लीजिए और इस तरह से दीपक को उल्टा करके रख लीजिए, ताकि ये जल्दी सूख जाए। अब उसी में से एक दीपक को हमने ले लिए हैं और इसको गैस बर्नर में हम सीधा करके रखेंगे, जैसे हम कोई बर्तन को रखते हैं। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, एक्चुअली तड़का रेडी कर रहे हैं। तो अब तड़के में जो जो चीज़ डालते हैं डाल दीजिए, जीरा, सूखी हुई लाल मिर्च, जो जो आप तड़के में डालते हैं डाल दीजिए। और इसी मिट्टी का दीपक से तड़का अगर किसी भी खाने में आप लगाओगे तो खाने का जो स्वाद है वो हाई लेवल तक पहुंच जाएगा। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जिस भी रेसिपी में ऊपर से तड़का लगाया जाता है, जैसे कि दाल, रायता, कड़ी, या तो फिर ऐसी कुछ रेसिपी है जिसपे ऊपर से तड़का लगाया जाता है, एक बार आप इस तरह से तड़का लगा के देखें। जब हम तड़का लगाएंगे, साथ में हम दीपक को भी उसी रेसिपी के अंदर डाल देंगे और ढक्कन बंद कर देंगे, ताकि इसका फ्लेवर जो है ना वो खाने में समा जाए। एक बार करके देखना फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब हम और एक दीपक ले लेंगे और दीपक को ना अब गैस में बहुत ही अच्छी तरीके से हमें जलाना है। इसको ऐसा जलाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और सौंधी सौंधी मिट्टी का खुशबू भी आ जाए। ठीक है, तो एक साइड में इसको हमने देखिए जलने के लिए रख दिया है, तो ये काफ़ी हद तक देखिए जल चुका है। और गैस का दूसरा बर्नर में हमने चाय बिठा दिया है। जी हाँ, हम तंदूरी चाय बनाने जा रहे हैं। जैसे कि अभी ठंडियों के मौसम आ चुका है और ठंडियों के मौसम में चाय पीना हम सबको बहुत पसंद है। सुबह उठ के या तो फिर शाम में इस तरह का तंदूरी चाय का चुस्की अगर हो जाए तो सबको बहुत अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स? तो ये पुरानी दिए का देखिए कितना यूज है। तो दीपक देखिए काफ़ी हद तक जल चुका है, इसको ना बहुत अच्छी तरीके से जला लीजिएगा। और दूसरे साइड में चाय तो हमारा धीमी धीमी आंच में पक रहा है, चाय पक चुका है। अब दीपक को हम चाय के अंदर डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख रहे हैं चाय कितना बढ़िया तरीके से इसका जो झाग है बन रहा है, यानी कि तंदूरी चाय का जो टेस्ट है ना, हम घर बैठे ही ले सकते हैं। तो मार्केट जैसे तंदूरी चाय ना आप इस तरह से बना सकते हैं। मैं तो बोलूँगी मार्केट से भी अच्छा टेस्ट आपको इस तरह से तंदूरी चाय का मिलेगा। तो क्यों फेंकना है पुरानी वाले दिए को अच्छे से धो के रख लीजिए, और जब भी आप ठंडियों के मौसम में चाय बनाएं तो एक एक दिए का इस्तेमाल करके इस तरह से तंदूरी चाय बनाए के पिए और सबको पिलाइए। तो कैसी लगी ये वाली आइडिया मुझे कमेंट जरूर करना। क्या आपको पहले पता था ये भी मुझे बताना। और ये वाली आइडिया बहुत ही अहम है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। इसके लिए हमने ले लिए हैं एक दीपक और लिए हैं एक कपूर। कपूर का चूरा बना के इसको हम साइड में रखेंगे। अब हमें लेना है तेज पत्ता। बस तेज पत्ता को ना हम कट करके छोटा छोटा टुकड़ों में काटेंगे इस तरह से। ठीक है, इसको कट करके इस दीपक में रखेंगे। और जब कपूर को हम साइड करके रखे थे ना, अब कपूर को ऊपर से डाल देंगे। ठीक है, देखिए ये कपूर, एक कपूर लेने से ही काफ़ी है। कपूर नेगेटिविटी और बीमारियों को दूर करता है। घर में कपूर का धुआं करने से आसपास मौजूद बैक्टीरिया खत्म होते हैं, जिससे कि इन्फेक्शन और बीमारियों का खतरा टलता है। तो कपूर और तेज पत्ता का धुआं हम इस तरह से टॉयलेट के चारों तरफ फैला देंगे, जिससे कि इन्फेक्शन और बीमारी खत्म हो जाए। हमेशा हमें टॉयलेट को साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर इसको हम साफ सुथरा नहीं रखेंगे तो ये बीमारियों का घर बन जाएगा। इस तरह से कपूर का धुआं टॉयलेट में लगाने से टॉयलेट का इन्फेक्शन दूर होने के साथ साथ टॉयलेट का बैड स्मेल भी दूर होता है। और इस सॉल्यूशन को अगर मिट्टी का दीपक से किया जाए तो और ज्यादा फायदा होता है। तो आप अगर यूज़ किया हुआ दीपक से नहीं करना चाहते हैं तो आप नया वाला दीपक से भी कर सकते हैं।
हम लोग इस तरह का ग्रेटर, चाकू, नाइफ यूज तो करते ही हैं। ये छोटा छोटा किचन टूल जो है ना वो डेली यूज आने वाला है, तो इसको यूज करते करते इसका तेज, इसका शार्पनेस जो है ना वो खत्म हो जाती है। तो इसको तेज कराने के लिए हम मार्केट जाते हैं, लेकिन अब से मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पुराने दिए की मदद से इस ग्रेटर को हम बहुत ही आसानी से तेज कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक दिया ले लेना है और दिया को इस ग्रेटर में इस तरह से कसना है, यानी कि ग्रेट करना है। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको ग्रेट करना है और इसको चारों ओर घुमाते हुए इसको ग्रेट करना है, ताकि ये अच्छे से तेज होने के साथ साथ अच्छे से क्लीन भी हो जाए। क्योंकि आप देखे होंगे इसको यूज करते करते ना ये पीला पड़ जाता है, तो इसका पीलापन भी इस तरह से हट जाएगा। और सेम इसी तरह से आप बड़ा वाला जो ग्रेटर है उसको भी तेज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए किचन में काम आने वाला छोटा बड़ा सभी ग्रेटर तो लगता ही है। और सिर्फ ग्रेटर ही नहीं, आप इससे कैंची, चाकू को भी धार कर सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। कितना बढ़िया सा आइडिया, आई होप कि ये आइडिया आप सभी को पसंद आया है और यूजफुल लगी है और आप लोग ट्राई भी करेंगे। और देखिए गाइस, ये जो छनछन की इसका जो भूसा निकला हुआ है इसको भी हम फेंकेंगे नहीं, इसका भी यूज बहुत बढ़िया तरीके से लेंगे। लोहे का तवा जिससे हम रोटी पराठा बनाते हैं, या तो फिर लोहे का जो कढ़ाई होता है वो कुछ इस तरह से जल जाता है। देखिए ये तवा कितना ज़्यादा मतलब जल चुका है, काला पड़ चुका है। अभी इसको मैं क्लीन करके दिखाऊंगी इस दीपक की मदद से। तो सबसे पहले हमें जो करना है वो है तवे को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लेना है। तवे को देखिए, आप देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। अब थोड़ा सा पानी हमने तवे पे डाला है और साथ ही साथ जो भूसा मैंने अलग करके रखा था वो भूसा और दीपक दोनों को ही साथ में इस तरह से तवे में हम रगड़ेंगे, बहुत ही अच्छे से रब करेंगे। तवा गर्म है तो थोड़ा सा संभाल के कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है ना, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के और बस इस तरह से खूब रगड़ना होगा। गैस को मैंने बीच में बंद कर दिया था और अगर फिर से ठंडा हो जाए ना, दोबारा से गैस को जला के हल्के से इसको गर्म कर लीजिएगा और खूब अच्छे से इस तरह से दीपक की मदद से रब कीजिएगा। और देखिए तवा ना बहुत हद तक क्लीन हो ही चुका है। अभी मैं आपको क्लीन करके यानी कि साफ पानी से धो के दिखाती हूँ। और इस तवा को क्लीन करने के लिए ना मैंने डिश वाशर, ना डिटर्जेंट पाउडर, ना मिट्टी, किसी भी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया था। जस्ट दीपक की मदद से मैंने इसको क्लीन किया है और रिजल्ट आप ही के सामने आप देख ही सकते हैं। तवा बहुत ही अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब इस प्रोसेस को 2-3 बार और करने से ये और भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। आई होप कि ये टिप आपको अच्छी लगी है। और अब हम आपको एक सॉल्यूशन बना के दिखाऊंगी जिसके लिए हमने ले लिए हैं कपूर। तो यहाँ पे मैंने 3 कपूर लिया है और कपूर का चूरा हमने बनाना है। तो बस इस तरह से बहुत ही आसानी से इसका चूरा बन जाता है। अब मिट्टी का दीपक हमें चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा मिट्टी का दीपक चाहिए। और बस थोड़ा सा नारियल तेल, नारियल तेल और कपूर को इस तरह से हम मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, खास करके बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होता है, छोटा छोटा रैश वगैरह निकल के आता है गर्मियों के चलते या किसी भी रीज़न के वजह से, इन्फेक्शन के वजह से। तो ये जो सॉल्यूशन हमने बनाए हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आपको इस तरह से मालिश कर देना है और ख़ास करके आप देखिएगा पेट में या पीठ में इस तरह से होता है, तो बस इस तरह से आप मालिश कर दीजिएगा तो देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आई होप कि ये भी आपको यूज़फुल लगी है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आई है, आज का टिप आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रही है और इसका इस्तेमाल करके आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।